महर्षि वशिष्ठ की प्रेरणा से राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि जी को लेकर के आए और कहते हैं बड़े मान सम्मान के साथ श्रृंगी ऋषि जी का महल में स्वागत हुआ। आने के पश्चात श्रृंगी ऋषि जी ने कुछ औषधियों का आदेश दिया। माताओं ध्यान से सुनो, औषधियां जैसे कुष्ठ जटामासी, अंबा, हल्दी, मोरबेल, चंदन, शिलाजीत और एक जिसको अपने यहां पर आक आक बोलते हैं ना, आक का पेड़, हर जगह उसको अलग अलग बोलते हैं। वो जो सफेद फूल वाला आंक होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी जड़ में गणेश जी की मूर्ति टाइप बन जाता है। उसको उखाड़ करके उस जड़ को, उसको पाउडर धूप में सुखा करके पाउडर बनाया जाता है, वो बड़का दूध। आयुर्वेद में ऐसी कई प्रकार की औषधियों का वर्णन है जिससे गर्भ शोधन किया जाता है और वो संतान उत्पत्ति में बड़ा चमत्कारिक होता है। तो कहते हैं श्रृंगी ऋषि जी ने भी वही किया। मेरी माता समस्त प्रकार की औषधियों को मिलाया, कुछ औषधियों को कूट करके, छान करके, दूध में मिला करके दही जमाई, उससे जो घी निकला उससे तो यज्ञ कराया गया और कई प्रकार की औषधियों को पहले ही खिलाया गया और फिर कुछ औषधियां उस खीर में डाली जो यज्ञ शेष के रूप में दी गई। सरयू नदी के तट पर यज्ञशाला बनी, वहीं पर यज्ञ हुआ और बड़ा भव्य यज्ञ हुआ। और कहते हैं ना, उत्तिष्ठता ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधया, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम यजमानम च वर्धया। आज यदि आप चाहते हो समस्त देवताओं की कृपा हमारे घर पर बरसे, आज कृपा पाने के लिए व्यक्ति कहाँ कहाँ नहीं चला जाता, बोलो जाता है कि नहीं जाता है? अच्छा, लोग वैष्णो देवी क्यों जा रहे हैं, बोलो? कृपा पाने जाते हैं ना। मथुरा क्यों जा रहे हैं, जोर से बोलो। काशी क्यों जा रहे हैं, बोलो? कृपा पाने जा रहे हैं ना। और कुछ लोग तो वहां भी जा रहे हैं जहां ये कहा जाता है गोलगप्पे खा लो तो कृपा बरस जाएगी, समोसे खा लो तो कृपा बरस जाएगी, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? वहां भी जा रहे हैं। तो लोग पता नहीं कृपा पाने के लिए कहां कहां जा रहे हैं, पर जानते हो वेद क्या कहता है? जहां तुम बैठे हो ना, जिस घर में तुम बैठे हो, कृपा वहीं बरस जाएगी। बस तुम्हें करना क्या है, वो काम कर दो जिससे समस्त देवता तुम्हारे घर पर ही आके तुम पे कृपा बरसा दे। और वो काम क्या है, तो वेद कहते हैं उत्तिष्ठता, उठो ब्रह्मणस्पते, हे ब्रह्म की संतानों, हे प्रभु की संतानों, देवान यज्ञेन बोधया, उस देव यज्ञ की तरफ चलो जो तुम्हारी समस्त कामनाओं की पूर्ति करेगा। बोलो, मैं प्रतिदिन प्रवास में रहती हूं, कार्यक्रम आज यहां कल वहां, कहीं ट्रेन कहीं फ्लाइट कहीं गाड़ी, प्रतिदिन। अभी भी एक डेढ़ महीने बाद लौटना हुआ, उसके बावजूद भी संकल्प है, चाहे हम कहीं भी रहें यज्ञ करेंगे तो करेंगे, प्रतिदिन करते हैं कहीं भी रहें। और आप तो अपने घर में रह रहे हो, आपकी कोई जगह नहीं बदल रही है, आप अपने घर में हो, भगवान ने सब सामर्थ्य दी हुई है, फिर भी व्यक्ति को सबसे भारी काम लगता है वो 15 मिनट का, वो 12 मिनट का काम, बोले ये सबसे भारी है, कौन करेगा रोज रोज? प्रतिदिन करो और फिर देखना उस यज्ञ की कृपा कितनी होगी। अरे MDH मसालों के बेताज बादशाह माशे धर्मपाल जी, उनकी फैक्ट्री में जब उनका कार्य शुरू होता था तो वो यज्ञ से होता था, आज भी ऐसा ही होता है।
और वो जब मुझे पहली बार मिले तो मुझे याद आता है उन्होंने मुझे पास बुलाया, मेरा परिचय लिया, मुझे अपने पास बैठाया, बातें करने लगे, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले अपने जीवन की यही बात बताई कि आज मैं अपने जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार अगर मानता हूँ तो वो यज्ञ का मानता हूँ, नहीं तो मैं वही धर्म पालूँ जो दिल्ली के चांदनी चौक में तांगा चलाया करता था, सबसे बड़ा। बस आप श्रद्धा से करो, निष्ठा होनी चाहिए आपकी। कभी कभी लोग कहते जी मैं यज्ञ कर रहा हूं, मैंने कहा कैसे करते हो, बोले सब कुछ डाल के। मैंने कहा अच्छा दिखाना जरा, पात्र देखे झूठे गंदे पड़े हुए हैं, सामग्री में अखरोट के छिलके पड़े हुए हैं। मैंने कहा अंदर वाला भाग कहाँ गया, बोले अंदर वाला तो मैं खा गया, छिलके डाल दिए। तो मैंने कहा मूर्खानंद जब तू देवताओं को छिलके खिला रहा है तो तुझ पर कृपा भी तो छिल छिल के ही आ रही होगी ना, अंदर वाला भाग डालना चाहिए था, पौष्टिक था, पौष्टिक मिष्ट रोग नाशक है ना, यही तो बताए ना चार प्रकार के पदार्थ सुगंधित। तो बोले अंदर वाला डालना था क्या, मैंने कहा हाँ। अगली बार छुआरे लेके आया उसका बाहर वाला खुद खा गया, अंदर की गुठली सामग्री में पहुंचा दी। बताओ इस पर कौन कृपा बरसाएगा। श्रद्धा से करो, निष्ठा से करो। प्रतिदिन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम सप्ताह में करो। और महर्षि दयानंद लिख करके गए, देखो छूट नहीं दी पर वो लिख गए कुछ न करने से करना देन बेटर। अरे कम से कम पाक्षिक तो कर लो, अमावस्या और पूर्णिमा को एक यज्ञ तो हमारे घर में जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आप भगवान श्री राम को मानते हो, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हो, अगर आप ऋषियों की परंपरा के वाहक हो तो आपको इस यज्ञ की परंपरा से जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारी वास्तविक पूजा पद्धति है। अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि देवताओं का मुख्य। और जब आप देवताओं को कुछ देंगे, देखो आप सूर्य को देते हो, सूर्य कहाँ है माताओं, जोर से बोलो एक बार, हाँ ऐसे हाथ उठा के बोलो ऊपर, और हम कहाँ बैठे हुए नीचे। और माताएं सूर्य की पूजा कैसे करती हैं पानीपत में, कैसे करती हैं, घरोंडा वाली तो एक लोटा जल लेके छत पे चढ़ जाती है, पानीपत वाली भी यही करती होंगी है ना। और वो जल किसकी तरफ को देती हैं, सूर्य भगवान की तरफ को। अच्छा जल कहाँ जाता है और सूर्य कहाँ है, तो आपने दिया कब और भगवान ने लिया कब, ना आपने दे ही पाई आप ना वो ले ही पाया। पर जब आप यज्ञ कुंड में बैठती हैं तो आप आहुति डालती अग्नि में, और अग्नि सीधे आपकी आहुतों को लेके कहाँ उठती है बोलो, जिस देवता को चाहिए। अच्छा देखो ताली बजाओ तो सारे बजाना, नहीं तो बीच में एक आध चटर पटर मत करना, सारे बजाओ। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आपने अग्नि के अंदर जो पदार्थ डाला अग्नि उसको तुरंत लेकर के ऊपर उठी, और ऊपर उठते ही अग्नि ने चाहे सूर्य देवता को चाहिए था, चाहे चंद्रमा को चाहिए था, चाहे वायु को चाहिए था, चाहे अन्न औषधियां जड़ चेतन सब में वितरित कर दिया, आपकी आहुति समस्त देवताओं को मिल गई। और जब समस्त देवताओं ने आपका भोजन ग्रहण कर लिया तो बोलो कृपा बरसाएंगे कि नहीं बरसाएंगे, कृपा बरसाएंगे, घर बैठे बरसाएंगे। इसलिए यज्ञ से अच्छा कर्म और कोई दूसरा है नहीं, अपने घर में यज्ञ अवश्य करो। बोलो यज्ञ भगवान की जय। बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से यज्ञ हुआ, और कहते हैं यज्ञ का समापन हुआ तो मुनि श्रृंगी ने कुछ बातें बताई, जिनका पालन महाराज दशरथ और उनकी रानियों ने किया, तब यज्ञ शेष के रूप में उनको खीर दी गई। महाराज दशरथ ने कुछ खीर स्वयं खाई, कुछ बांट करके तीन हिस्से करके अपनी रानियों को दे दिए, और उन रानियों में इतना प्रेम था कि कौशल्या बड़ी थी, उसने सोचा केवलागो भवति केवलादि, अकेला जो खाता है वो पाप खाता है, मिल बांट करके खाना चाहिए। इस सिद्धांत को रानी कौशल्या जानती थी, इसलिए अपनी खीर का कुछ भाग निकाला। और देने में भी जब व्यक्ति घर में देखता है किसको दे किसको दे, तो दो चीजें होती हैं, या तो पहले सबसे बड़े को दिया जाता है या फिर घर में सबसे पहले, जोर से बोलो, हाँ कथा के साथ साथ चलना पड़ेगा सबको, छोटे को दिया जाता है।
अब महारानी कौशल्या ने देखा बड़े तो महाराज दशरथ थे, उन्होंने तो हमें दे ही दी, अब मुझे अपने से छोटे को देना है, तो छोटी कौन दिखाई दी? सुमित्रा। तो उन्होंने थोड़ी सी खीर सुमित्रा को दे दी। कैकेयी माता ने देखा जब मेरी बहन ने ये काम किया है तो ये काम मैं क्यों ना करूं। उन्होंने भी थोड़ी सी खीर निकाली और किसको दे दी? बोलो, सुमित्रा को दे दी। देखो दोनों ने जब अपना प्यार सुमित्रा के ऊपर लुटाया ना, तो सुमित्रा की कोख से जो पुत्र रत्न उत्पन्न हुए, उन दोनों बच्चों का प्यार भी दोनों तरफ बटा कि नहीं बटा? बोलो, बट गया कि नहीं बट गया? एक एक चीज को समझोगे तो गहराई में उतरते चले जाओगे, ध्यान रखना। दोनों ने अपना प्यार उड़ोला। तो एक संसार में नियम चलता है मेरी मातो, गिव एंड टेक की थ्योरी चलती है, दो और पाओ। दिया दोनों ने अपना प्यार, तो डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ, दोनों तरफ हुआ। कहते हैं वो प्रक्रिया चली और एक दिन सूचना मिली तीनों रानियां गर्भवती हैं। जो खान पान श्रृंगी मुनि ने बताया था वो खान पान होने लगा। कौन सा खान पान? एक गर्भिणी स्त्री को महर्षि दयानंद कहते हैं खान पान शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए, क्योंकि खान पान का संतान के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर माता चाहे तो जिस अन्न को, जिन औषधियों को वो गर्भ अवस्था के दौरान ग्रहण करती है, उसका पूरा पूरा प्रभाव अपनी संतान के ऊपर डाल करके जैसी चाहे वैसी संतान बना सकती है। ये महर्षि दयानंद संस्कार विधि के गर्भाधान संस्कार के अंदर लिखते हैं। पर बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानना, आज की जो गर्भवती माताएं बहने हैं उनका खान पान बिल्कुल बिगड़ा पड़ा है। एक जगह तो एक बहन अपने पति से कह रही थी जरा मुझे कुरकुरे लाके दे देना, कुरकुरे। और जो इस प्रकार की चीजों को खाएगी तो सहज अनुमान लगा सकते हो उसके गर्भ से कैसी संतान पैदा होगी। आज बच्चों में इतना क्रोध क्यों है? बच्चे इतने चिड़चिड़े क्यों हैं? आप जब बच्चों को देखते हो तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारा बचपन क्या था और ये क्या आफत पैदा हो रहे हैं आज? लगता है कि नहीं लगता? बोलो, किस किस को लगता है, हाथ उठाओ। सबको ही लगता है ना, सबको लगता है। हम बचपन में कैसे थे और ये बचपन में, जोर से बोलो, कैसे हैं? हम लोगों को पता ही नहीं था डिमांड क्या होती है, और इनकी डिमांडें कभी खत्म ही नहीं होती। हमें पता नहीं था कि माता पिता ने एक बार मना कर दिया तो फिर जिद क्या होती है, और ये है कि अगर इनकी इच्छाएं पूरी करते रहो तो ठीक, और जिस दिन आपने मना कर दिया तो ये तुरंत आपको यूं उंगली गुठली बजा करके, तुरंत के तुरंत चुटकी बजा करके कह देंगे तुमने हमारे लिए, क्या बात है, तुरंत तुरंत बोल देंगे एकदम। ये जो इतना बड़ा अंतर आ रहा है ये क्यों आ रहा है? इसका बहुत बड़ा कारण है गर्भ अवस्था के दौरान एक माता का जैसा व्यवहार होना चाहिए, खान पान होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, आज की माताओं ने उसको पूरी तरह से तिलांजलि दे दी है। न खान पान शुद्ध, न विचार शुद्ध, न व्यवहार शुद्ध, और जब ये शुद्ध ही नहीं है तो वैसी ही संतानें फिर जन्म ले रही है। इसलिए वो माताएं बड़ी सावधानी रखती थी, खान पान शुद्ध होता था, अच्छे चित्रों को देखती थी ताकि चरित्र का अच्छा प्रभाव पड़े, अच्छे ग्रंथों को पढ़ती थी। इसलिए कहा जाता है माता निर्माता भवती, मां निर्माण करती है। और कहते हैं जब इस प्रकार का निर्माण होता है, ओ मेरी मातो बंधुओं, तो तभी तो वो दिव्य संतानें पैदा होती हैं। महाराज दशरथ की रानियों ने इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा, और पूरा पूरा ध्यान रखने का ही वो सुखद परिणाम था कि वो दिन भी आया। कौन सा दिन? कित तो ये जी समते तो ऋतुनाम सट समत्ययु ततश्च द्वादशी मासे चैत्र नवमी तिथो नक्षत्रे दिति देवत्यै
सवोचशंस्ते शुपंचसु गृहसे करकटे लग्ने वाक्पता विन्दुना सह कौशल्या जन यत्रामा दिव्य लक्षण सयुतम। कहते हैं दासी दौड़ती दौड़ती आई और महाराज दशरथ को आकर के कहती है, महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई हो, महारानी कौशल्या ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। ओ मेरी माताओं, जो कान तरस गए थे महाराज दशरथ के ये सुनने के लिए, उन कानों के अंदर जब ये वाणी पड़ी तो जरा विचार करके देखना महाराज दशरथ के लिए वो दिन कितना सुखद रहा होगा। क्योंकि आज भी जब रामनवमी आती है ना, तो माताएं सुबह सुबह उठ जाती हैं, पूरे घर को साफ करके झाड़ू पोछा धो धा करके अच्छे पूड़ी पकवान बनाती हैं, बच्चे से पूरे भोजन पर पानी घुमवाती हैं, गाय को रोटी देती है, कन्याओं को जिमाती है और बड़ी धूमधाम से मनाती है, ये कहते हुए कि आज क्या है, जोर से बोलो रामनवमी। क्यों? कि नवमी तिथि मधु मास पुनीता हो, शुक्ल पक्ष अभिजित है जिकीता। राम बोलो मधुमास था और शुक्ल पक्ष में महारानी कौशल्या ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। और जब ये सुना तो पूरी अयोध्या खुशियों से गा उठी। क्या? आओ थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि हम पानीपत में नहीं बैठे हैं, कहां बैठे हैं, जोर से बोलो। और अयोध्या में भी युग कौन सा चल रहा है, त्रेता। और बस ये सोच लो थोड़ी देर के लिए हम सब अयोध्यावासी, ठीक है, तो दोनों हाथ उठा करके गौरी मंगल गाने खुशियां बरसी हैं, दोनों हाथों को उठा करके गाने खुशियां बड़ी
दशरथ के जन्म में लाल खुशियां बरसी हैं। दोनों हाथों को उठा करके के अंदर खुशियों की लहर तैर गई।
और मेरी माताओं बंधुओं, वैसे तो समय जो है वो आगे पीछे रहा होगा, लेकिन कवि अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए चीजों के साथ बहुत हद तक परिवर्तन कर देता है। ऐसा ही कुछ परिवर्तन महर्षि वाल्मीकि ने किया कि कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, एक पुत्र को जन्म कैकेयी ने दिया, तो एक दासी उधर से भी दौड़ी दौड़ी आई। क्या नाम था उसका? कैकेयी की दासी का, जोर से बोलो। हाँ, बस रामायण यही कराएगी। उसने भी आकर के सूचना दी, महाराज महारानी कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। एक तीसरे कक्ष से भी दासी दौड़ी दौड़ी आई और वो कहती है, महाराज बधाई हो, रानी सुमित्रा ने तो दो दो पुत्रों को जन्म दिया। अरे क्या बात है, यहां पता लगता है कि भगवान देता है तो छप्पर। एक संतान नहीं थी, पर आज चार चार संतानों के पिता होने का सौभाग्य महाराज दशरथ के हिस्से में आन पड़ा था, झोली में आन पड़ा था। रे इतनी खुशी मिली थी, राहराज दशरथ फूले नहीं समा रहे, गले के हार उतार उतार दासियों को दे रहे हैं और खुशी में सुमंत्र को बुलवाते हैं। उनकी परिषद के आठ मंत्रियों में ज्येष्ठ मंत्री थे सुमंत्र, उनको बुलवाया, सुमंत्र एक काम करो, ब्राह्मणों को दान दो, पूरा खजाना खोल दो, कमी मत छोड़ना दान देने में किसी को, और पूरी अयोध्या में नोते भिजवा दो घर घर, कोई अपने घर पर भोजन न बनाए, और महाराज के काम करो, जेलों में जितने भी कैदी है सबको रिहा कर दो, छोड़ दो, आज जितना कुछ अच्छा कर सकते हो कर दो, पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा। कहते हैं मेरी माताओं, सुमंत्र आते हैं कुछ समय के पश्चात और आकर के कहते हैं, महाराज दान देना शुरू कर दिया है ब्राह्मणों को, खूब दान कर रहे हैं वित्त मंत्री जी, और पूरी अयोध्या में नोते भी भिजवाए जा रहे हैं, आदेश दे दिया, अयोध्या सज रही है, सारे कार्यों के आदेश दे दिए महाराज, पर एक कार्य नहीं हो पाएगा। क्या? हम कैदी रिहा नहीं कर सकते। मेरी माताओं बंधुओं बहुत ध्यान से सुनना, नेता कहते हैं हम राम राज्य लाएंगे, राम राज्य की तो छोड़ो, तुम दशरथ का राज्य भी नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते हैं? महाराज दशरथ ने कहा, सारी जेलों के कैदी को रिहा कर दो। महामंत्री सुमंत्र कहते नहीं हो सकता, संभव नहीं है। क्यों? मैं कह रहा हूं, मैं राजा हूं, तुम छोड़ दो। सुमंत्र कहते, अरे महाराज छोड़े तो तब जब जेल में कोई हो, जेलें तो खाली पड़ी हुई हैं, जेलें तो खाली पड़ी हुई हैं, छोड़े तो छोड़े किसे। मैं कई बार जेल में गई, मतलब अपराध करके नहीं, सॉरी अपराध करके नहीं, बोलने के लिए ही जाती हूँ, वहां हर कैटेगरी मिलती है, महिला सेल अलग, बाल गृह सुधार अलग, और जो बैरक होंगी ना, जो बनी हुई बैरक हैं, क्योंकि नॉर्मल कैदियों के बीच में प्रवचन कराए जाते हैं, जो खूकार टाइप है वहां तक तो कोई ले जाता ही नहीं, जो नॉर्मल हैं बस छोटे मोटे अपराध में, उन्हीं तक में कराया जाता है। तो अगर किसी बैरक में 25 व्यक्तियों की जगह है तो वहां 30-30 घुसा रखे हैं। क्यों? जेलें कम है और कैदी, जोर से बोलो, आज का भारत है, आज का भारत है, सारी वैरायटियां मिलेंगी आपको जेलों में, बच्चों की, बूढ़ों की, युवाओं की, सब। इनफैक्ट भारत तो इतना महान देश है, कई जेलों में तो भगवान तक बंद पड़े हैं, इतना महान। उस समय महाराज दशरथ को छोड़ने के लिए कैदी नहीं मिला कोई, सोचो सोचो कितनी मानता रही होगी उस समय की, कितनी मानता। आज भारत की राष्ट्रपति को दुखी होकर के ये कहना पड़ा, जो बड़े बड़े दरिंदे हैं वो बाहर घूम रहे हैं, जो छोटी छोटी चोरी करके हैं वो जीवन जेलों में काट रहे हैं, ये राष्ट्रपति को कहना पड़ा। ये आज का भारत है, वो समय का भारत था, प्रसन्नता मनाई गई,